Hi guys, welcome to my channel. Excuse me please, और मैं हूँ कृति. आज का मेरा जो ये वीडियो है ये उस आइटम के ऊपर है जो मैंने अपने यूट्यूब वीडियोज के लिए ही मंगाया है स्पेशली. एक्चुअली मुझे आपको काफी सारे अपने गार्मेंट्स और मेरा जो क्लोथ्स का कलेक्शन है वो दिखाना है, उसके ऊपर स्टाइलिंग टिप्स आपको देनी है. बट मेरे पास एक हैंग करने के लिए उससे कुछ भी नहीं था एंड आई वॉज फीलिंग ऑकवर्ड कि मुझे वो चेयर पे रख के आपको दिखाना पड़ेगा. तो गाइज मैंने उसके लिए एक बैम्बू स्टैंड मंगाया है जिसमें कि कोट हैंगर भी है प्लस वो कैप्स वैप्स रखने के लिए हैंगर भी है और उसे मैंने अमेजोन से मंगाया है. मैं आपको उसका डिटेल्स बताती हूँ अमेजोन का लिंक देख करके. सो गाइज इट सेज हाउस ऑफ क्वर्क सिंगल रेल बैम्बू गार्मेंट रैक विथ 6 साइड हुक ट्री स्टैंड कोट हैंगर एंड 4 स्टेबल लेवलिंग फीट फॉर जैकेट अम्ब्रेला क्लोथ्स हैट्स स्कार्फ एंड हैंडबैग्स. इसकी हाइट है 70 एंड ब्रैकेट में लिखा है 70 सेंटीमीटर्स. इट्स अ DIY प्रोडक्ट गाइज, ये भी अमेजोन में मेंशन्ड है. एंड आई टेल यू इट्स प्राइस, इट कॉस्टेड मी 2199 रुपए का है ये आफ्टर डिस्काउंट. इसका MRP है 2999 जिससे कि इन्होंने क्रॉस कर रखा है एंड 2199 में मैंने इसे खरीदा है. मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर डाल दूंगी, यू कैन चेक इट आउट. बट गाइज मैं आपको बता दूं कि ये कपड़े हैंग करने के पर्पज के लिए आप मत लीजिएगा बिकॉज ये काफी ज्यादा वेट नहीं सह पाएगा. ये एक्चुअली आपको अगर वीडियोज बनानी है या आपका कुछ ऐसा स्टोर है जहां पे आपको गार्मेंट्स शो करने के लिए लगाने हैं देन इट्स अ मस्ट हैव प्रोडक्ट गाइज. बट घर में यूज करने के लिए अगर आप इसे डेली यूज में निकालोगे देन मे बी इट विल नॉट वर्क एज रिक्वायर्ड बाय अस कि हमारे घर में हम लोग उस पर काफी सारा लोड दे देते हैं. तो उस पर्पज के लिए इसे प्लीज मत यूज करना, इट विल नॉट गो विथ दैट. सो गाइज जैसा मैंने बताया कि इट्स अ DIY प्रोडक्ट, तो इन दिस वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसका DIY इसे अटैच कैसे करते हैं क्योंकि ये आपको पार्ट में मिलता है. एंड इस वीडियो में मेरी हेल्प मेरे हस्बैंड ने की है, सारा DIY जो है उन्होंने किया है, मैंने बस शूटिंग की है. सो लेट्स गो, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसे कैसे असेंबल किया एंड यू विल हैव अ लुक एट द फाइनल प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो.
गाइज अभी आपने देखा हमने उसे कैसे DIY किया, कैसे इंस्टॉल किया एंड आई होप यू लाइक्ड इट, यू लाइक्ड माय वीडियो, यू लाइक्ड मी एंड गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मैं पसंद आ रही हूँ, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो फ्यूचर यूट्यूबर्स है, बडिंग यूट्यूबर्स या जिनकी स्टोर्स है या जिन्हें भी अपने घर में इस पे थोड़ा सा सामान लगाने के लिए खरीदना है वो ये प्रोडक्ट जरूर खरीद सके और इस DIY से उसे अटैच भी कर सके, ये इजीली अटैच हो जाएगा, आपको कोई और पैसे नहीं खर्च करने हैं, एक्स्ट्रा किसी कारपेंटर को बुला के या मैकेनिक को बुला के उसे इंस्टॉल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन डू इट योरसेल्फ गाइस। सो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।